चांदी का जूता, बाल शौरी रेड्डी। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बांछें खिल गई। उसी समय देखता क्या हूँ, एकदम उछलकर वो मुझसे गले मिले, कुशल प्रश्नों की बौछार कर दी। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वो ये जानती हो कि मैं उसके मालिक का भिन्न मित्र हूँ। बाथरूम से सर पहुंचते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचे, पंखा लगाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चले गए। बैठक इस तरह सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता का अभिनंदन करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध चित्रकारों की पेंटिंगें सुशोभित थी। सारी बैठक एकदम साफ सुथरी और मनमोहक थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था, आज इसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन क्यों कर हुआ। वो सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रखकर छोड़ देता था, उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देखकर मैं हार मान चुका था। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण आया, वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन न हुआ होगा, उसकी श्रीमती रमा की कल्पना होगी। वाह, रमा अवश्य सौंदर्य की आराधिका होगी। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया, तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए, हमने तो आपका बहुत बहुत इंतज़ार किया। क्या, सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो मैं चला आता, निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आप क्या कह रहे हैं, हमने पहली बार में आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब न मैं आता, सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की, शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता। तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश कर मेरी रक्षा की, रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया, भोजनालय में गुड़िया जैसी एक सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयाँ सजा रही थी। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया, ये है सीमा, मेरी पुत्रवधू, जानते हो इसने एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, विश्वविद्यालय भर में ये प्रथम आई है, इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी चाचा को जरा वो पदक तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था, वो सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगाती रही। रमा दौड़कर बैठक में गई, अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया, भैया हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया, हमें अपनी सीमा पर गर्व है, ये तो दिन रात पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है, कहती है मैं डिलीट भी करूंगी, मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत न बिगड़ जाए। मैं तो लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन नहीं, हमारी बात सुनती ही नहीं, रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है और साथ ही कॉलेज में पढ़ाने भी जाती है। भाभी तब तो कोई रसोईया क्यों नहीं रख लेती, कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं, लोग क्या सोचेंगे। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, काम भी क्या है, चार तो जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए, काम करने से तबीयत अच्छी रहती है। रमा झूठ बोलने की भी हद होती है, ये पराये थोड़े ही हैं यार। देख असली बात ये है कि रमा रसोईये के पीछे खर्च करना बेकार मानती है, मैंने एक दो नौकर रखे भी पर कोई न कोई बहाना बताकर इसने भगा दिए।
अब तुम सारा दोष मुझ पर मढ़ते हो। तुम्ही ने तो एक दिन नौकर को किसी काम का ना बताया, इसलिए मैंने हटा दिया, वरना मेरा क्या जाता है। कमाने वाले तुम हो और खर्चने वाले भी तुम। मैं तो आराम से बैठी रहती, मुझे क्या पड़ा है हाथ चलाने को। रमा खींच उठी। मैंने बीच बचाव के ख्याल से समझाया, अपना काम खुद करने में बुरा क्या है, भाभी का समय भी कटेगा और तुम लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब वो स्वयं खाना बनाने को तैयार है तो तुम रोकने की क्यों सोचते हो। अगर वो खुद खाना बना ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर बेचारी बहू से सारा दिन काम लेती है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। जब वो 600 रुपये मासिक कमा लेती है तो उसमें से 100 रसोइये के पीछे खर्च करने में हर्ज ही क्या है, बताओ। अगर अशिक्षित बहू घर में आ जाती तो क्या होता। मेरे भाई के घर की हालत जानते हो, 50,000 रुपये दहेज लेकर मैट्रिक पास बहू को घर लाए। अब वो रानी की तरह बैठी रहती है, खाना परोसने तक का काम नहीं करती। कोई उसे छोटा मोटा काम बता दे तो कहती है, मेरे पिताजी ने इसलिए 50,000 रुपये नहीं दिए थे कि मैं आपके घर बेगारी करूं, वे रुपए बैंक में जमा कर दो, जो ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। आखिर मेरी बहू तो ऐसी नहीं, बेचारी अपना एक मिनट भी आराम करने में नहीं बिताती। समझो कि हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें ऐसी बहू मिली। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख कर रमा से रहा नहीं गया। वो तुनक्कर बोली, हाँ हम ही चाकरी करने के लिए पैदा हो गई हैं ना, मेरे बाप दादे जमींदार थे, जमींदार। हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। बात बढ़ते देखकर मैं वेंकटेश्वर राव के साथ उठकर बैठक में आ गया। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम एक सिगरेट तो पी लो ना, मत कहो वरना मुझे दुख होगा। मैं उस हालत में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। सिगरेट जलाकर कश लेते हुए सोचने लगा, नाहक राव के घर में क्यों तनाव आ गया। राव ने एस्ट्रे लाकर तिपाई पर रखा। मेरी उत्सुकता जगी। वो चांदी का बना उल्टे जूते की आकृति का था। इस किस्म की एस्ट्रे मैंने पहली बार देखी थी। मैंने पूछा, यार तुमने ये कहाँ से खरीदा। राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया, फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। दोस्त अब तुमसे क्या छुपाऊं और क्यों छुपाऊं? ये एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला एक अविस्मरणीय चिन्ह है। तुम जानते हो ना, हमने कॉलेज में पढ़ते समय ये शपथ ली थी कि हम भूल कर भी दहेज नहीं लेंगे। ये भी जानते हो कि हमने अपने विवाह के समय इसका पालन भी किया था। मगर क्या बताऊँ, जब मेरे पुत्र विमल के विवाह का प्रश्न उठा तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या का रिश्ता पक्का किया। मेरी श्रीमती को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताओं ने मेरे घर की अनेक बार परिक्रमाएं की, किंतु रमा देवी उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। आखिर मैंने ये रिश्ता कायम किया। रमा ने सीमा को देखा, पसंद भी किया, रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छपे। विवाह को केवल 15 ही दिन रह गए थे। रमा सोच रही थी कि सीमा का पिता सिविल सप्लाई ऑफिसर है, उसने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा, बिन मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। आखिर न मालूम कैसे उनके कानों में ये भनक पड़ी कि सीमा के पिता बड़े ही भद्र पुरुष हैं, प्रतिष्ठित भी हैं पर ईमानदार हैं, उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है, इसलिए वो विवाह तो ठाट से करेंगे किंतु दहेज एक भी पैसा न देंगे। जब सुंदर सुशील योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की मांग नहीं की थी। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम पक्की कर लूं। आखिर मैं विवश हो गया और झिझकते हुए मैंने सीमा के पिता के कानों में ये बात डाल दी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भाई साहब कई लोग 1-2 लाख रुपए के दहेज का लोभ दिखाते मेरे घर आए थे, लेकिन मैंने उन सभी रिश्तों को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ लड़की को योग्य सुशील और सुंदर देखना चाहता था। मेरी श्रीमती कुछ और सोचती हैं। मैं यही कहूँगा कि हम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। ये शब्द कहकर मैं लौट आया। वो भले मानुस थे,
مجھ پر ناراض بھی نہیں ہوئے، لیکن میں نے گھر لوٹ کر رما کو سوچنا دی کہ اچھی خاصی رقم دہیج میں مل جائے گی، تم فکر مت کرو۔ وواہ کے دن تک روز وہ مجھے تنگ کرتی رہی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں 50,000 روپیوں کا دہیج ملنے پر آپ کی کنیا کو بیاہیں گے، ورنہ نہیں۔ میں نے ایک سپتاہ بعد سنا کہ سیما کے پتا نے رائس ملرز ایسوسیشن کے سدسیوں کو اپنے گھر پر بلایا تھا۔ رائس ملرز ایسوسیشن نے کنیا کو ایک بہت بڑا چاندی کا برتن بھینٹ کیا، وہی برتن ہمیں دہیج میں پراپت ہوا۔ میری شریمتی نے وواہ سمپن ہوتے ہی وہ برتن لے جا کر کمرے میں سرکشت رکھ دیا۔ مجھے الگ سے بلا کر برتن کا ڈھکن کھول دیا۔ اس کی آنکھیں وسمے سے چمک اٹھی۔ روپیوں کے بنڈلوں سے وہ برتن بھرا ہوا تھا۔ رما نے سارے بنڈل زمین پر انڈیل دیے۔ اس میں کل ملا کر 60,116 روپے تھے۔ رما سیما کے پتا کی ادارتا کی پرشنسا کرتی رہی۔ وہ سبھی نوٹ ایک دم نئے تھے۔ مجھے تو ڈر لگا کہ کہیں یہ نوٹ جعلی تو نہیں۔ رما روپیوں کے بنڈل ایک بکس میں سجانے لگی۔ میں نے برتن میں ہاتھ ڈالا تو کوئی چیز ہاتھ لگی۔ یہ وہی چاندی کا جوتا تھا۔ میرے سمدھی نے وہ جوتا میرے سر پر نہیں، دل پر مارا تھا۔